नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं QNTV न्यूज। हर खबर पर होगी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इस साल मक्का में अत्यधिक गर्मी पड़ी, जिससे ऐसे लोग जो बिना परमिट के हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आधिकारिक तीर्थयात्रियों को कई तरह की सहायता मिलती है, लेकिन इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। कई लोगों ने चिलचिलाती धूप में पैदल ही लंबी दूरी तय की, ऊबड़ खाबड़ और कच्चे रास्तों को पार किया, जो पैदल चलने वालों के लिए उपयुक्त नहीं थे। मरने वालों में बड़ी संख्या बुजुर्गों की है। आश्रय और भोजन की कमी ने थकावट और गर्मी से जुड़ी अन्य बीमारियों को बढ़ा दिया। समर्थन के अभाव में ये तीर्थयात्री कठोर वातावरण के प्रति असुरक्षित हो गए, जिससे कई मौतें हुईं। परिवार और दोस्त बुधवार को भी लापता हज यात्रियों की तलाश करते रहे। सोमवार को मक्का में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस साल हज के लिए 18 लाख लोग सऊदी अरब पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में 600 लोग मिस्र के हैं। इसमें भारत के भी 90 लोग शामिल हैं। भारत से गए यात्री तेज गर्मी के साथ साथ अव्यवस्था से भी तंग हैं। भारत के कई हाजियों ने हज के दौरान सही सुविधा न मिलने की शिकायत की है। लाखों के खर्च के साथ हज के लिए गए भारतीयों को भीषण गर्मी में सही सुविधाएं नहीं मिलने से उनकी मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। इससे हज कमेटी के लिए भी हाजियों में गुस्सा है। भारत के हाजियों ने कहा कि टेंट में भीड़भाड़ और गंदगी की शिकायत उनकी ओर से की गई, लेकिन सऊदी अरब के अधिकारी मददगार नहीं थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए QNTV न्यूज पर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल QNTV न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमारी वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।